मकसूदनगढ़ में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने किया कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। मकसूदनगढ़ में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने आज बाइक रैली निकालकर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह बाइक रैली के साथ पैदल रैली गुना रोड रेस्ट हाउस होते हुए भोपाल रोड कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां पर पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान ईवीएम मशीन का डेमो दिखाकर कार्यकर्ता एवं जनता से वोट डालने की जानकारी दी गई। साथ ही मीडिया से भी पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह रूबरू हुए और कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। संविधान से हर व्यक्ति बंधा है और संविधान महत्व प्रजातंत्र का होता है, हमेशा रहेगा जी। अभी शिवराज सिंह जी ने ये घोषणा की है कि ये कानून में जैसे कि कोई बिना जांच के कोई प्रकार एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसमें आपको क्या कहना है? शिवराज सिंह जी आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कल क्या कहेंगे पता नहीं। अब ये जो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए, मुझे क्या मालूम। मैं तो जवाबदार हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाबदारी से। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा भविष्य की चिंता करती है, भविष्य की सोचती है और हम लोगों की तैयारी कई महीनों से चल रही है और हमने कमर कस ली है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने और हमें प्रदेश में सरकार इस बार बनानी है और बनेगी। उसी तारतम्य में हमने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो नई आई उसकी डमी मशीन भी लाए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। सोशल मीडिया के हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, उनकी सारी टीम आई है, हमारे पुराने सभी भी कांग्रेस के सभी साथी हैं और उम्मीदवार कोई भी हो चुनाव का शंखनाद हमने शुरू कर। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, बहुत अच्छा घोषणा पत्र बना है और उस घोषणा पत्र के साथ स्थानीय जो समस्याएं हैं चाचोड़ा विधानसभा की, मधुसूदनगढ़ क्षेत्र की, ये सारी समस्याएं जो हैं इनका समावेश भी उसमें होगा। मुख्य हम लोग जो हमारा जो ध्यान रहेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, पेयजल, सिंचाई, कृषि के सही दाम मिले उस पर, इन सारी बातों पर रहेगा। हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे जिससे कि गौ माता की सेवा हो सके, ये सारी बातों को लेकर चुनाव में। आप लगातार चांचोड़ा विधानसभा में घूम रहे हो सर, तो किन किन पर समस्याएं आपके सामने आई लोगों की? देखिए कई तरह की समस्याएं हैं और मुख्य समस्या ये है कि यहाँ एक अराजकता का वातावरण बना है जो कि किसी भी क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। अगर अराजकता का माहौल रहेगा, अराजकता का वातावरण रहेगा तो वहाँ विकास नहीं हो पाता, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि इस अराजकता के वातावरण को समाप्त करें और एक विकास का वातावरण तैयार करें जिससे कि चौमुखी विकास भविष्य में हम लोग यहाँ कर सर। SC ST के जो विधायक अभी पारित हुआ है इसमें आप क्या कुछ कहेंगे क्या? ये विधेयक बहुत पहले से पारित हुआ है और देश का हर नागरिक संविधान से बंधा हुआ है। इसके पक्ष में भी कुछ लोग हैं, इसके विपक्ष में भी लोग हैं। हर व्यक्ति को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रखें। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, ना हम केंद्र में सत्ता में है, ना विधानसभा में, हम प्रदेश में सत्ता में, हम कहीं भी सत्ता में नहीं और हम सब पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट।
कार्यालय में जिला निर्वाचन द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, जानकारी व निर्वाचन नामावली में कितने नाम जोड़े गए एवं कितने नाम हटाए गए इसकी जानकारी दी गई। वो तो करेगा, लेकिन सुनवाई के तौर पर जब सिचुएशन होगी, कोई केस आ रहा है प्रेजिडेंसी में या कोई है, तो उसका वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप गुना में 2,64,174 है, गुना में 206,174, महिला पुरुष से अलग का बात तो बमोरी में 101.25 पुरुष। विगत दिवस प्रेस फोटोग्राफर के साथ हुई मारपीट व लूट के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे एसपी कार्यालय। आपको बता दें कि विगत दिवस फोटोग्राफर अमित शर्मा व उसकी पत्नी के साथ हुई लूट व मारपीट के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा एसपी कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कि हम प्रशासन पर आरोप नहीं लगा रहे, न ही नियत पर हमें शक न सवाल कर रहे, पर एक नागरिक चिंता से अवगत कराने व एक दृष्टिकोण सुझाने आए। यदि पिछले दिनों गुना में अपराधों के नए तरीके और बारंबारताएं बढ़ी है, अमित शर्मा परिवार के साथ की घटना, 1 करोड़ की चोरी, राज विलास की 23 लाख की चोरी, SAF का ATM, यूनियन बैंक ATM, शांति मनोविज्ञान होता है, उसी प्रकार से हर शहर का भी अपना एक मिजाज और मनोविज्ञान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस दौर में कुछ ऐसा व्यवस्था परिवर्तन कर दिया हो जिससे शहर के मनोविज्ञान को विपरीत ढंग से प्रभावित किया, जिससे अपराध बढ़े हों। एक उदाहरण देना चाहेंगे, गुना में वर्षों से खुलते चले आ रहे रात्रि के बस स्टैंड का बंद करा दिया। आज जो क्या कहते हैं बाजू आज पर क्यों है ना, ऐसे सुरक्षा व्यवस्था को लगी है। धमनार में मिली युवक की लाश। धमनार में नदी में तैरती एक युवक की लाश मिली है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता की हत्या की गई है और उनके हत्यारों के नाम भी बताए। उनका कहना है कि उनके द्वारा एसपी कार्यालय को पहले ही आवेदन दे दिया गया था, साथ ही कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी जान को खतरा है। ये रिपोर्ट नामजद कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा एक बार हो गए, कल मुझे पता चला गया तुम्हारे पापा तालाब में गिर गए। वहाँ पे विवाद हो रहा था हमारा पहले से, 2 महीना पहले ही हम थाने में कंप्लेंट करे आए थे और 3 दिन पहले ही गए थे, जब तो हमारी कंप्लेंट नहीं थी। फिर जाओ जाओ अभी साहब नहीं है, साहब नहीं है। फिर हम एस पी ऊपर साहब, एस पी साहब में गए, वहाँ कंप्लेंट करे आए थे। आपका विवाद कौन सा? लाला राम, हम वो भगवान लाल। किस आधार पर कंप्लेंट की थी आपने एस पी साहब? एस पी साहब ने क्यों साहब मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और बार बार घर पे आने के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, लग पत्थर चलाते हैं साहब। कौन से गाँव के हो? धमनार। पापा का नाम क्या था? अमर लाल।
क्या विवाद था? जमीन का विवाद था, परसों के दिन विवाद हुआ था, हमने परसों के दिन कंप्लेन करने आए थे। तो आपको मतलब क्या लगता है, मतलब पापा की मतलब हत्या की गई? हाँ साहब, हत्या की गई। ये तौलिया थी ना साहब, वो गले में वो तौलिया उनकी नहीं है, और उनके पीछे वो बना हुआ है, गठान लग रही है, दो तीन गठान पीछे लगी है साहब, और जहाँ नाखून के निशान है, एक ओंट कट रहा है, एक कान कट रहा है साहब। नगर पालिका परिषद दुना की सभा कक्ष में हुई भाजपा की बैठक पर कांग्रेस ने अपना आक्रामक रुख अपना लिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को कांग्रेस जन नगर पालिका के सभा कक्ष में बैठक करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां सभा कक्ष के बाहर ताला लटका मिला, जिसे देखकर कांग्रेस जनों ने भाजपा और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए सभा कक्षों को राजनीतिक दल की बैठक के लिए आवंटित करने में असमर्थता जताई। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को नगर पालिका सभा कक्ष में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसका कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया था। बैठक के ही दिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय, पार्षद वंदना मांडे सहित अन्य ने नगरपालिका के अधिकारियों को आवेदन देकर भाजपा की भांति कांग्रेस को भी 22 सितंबर को बैठक आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की थी, लेकिन नगरपालिका ने इस बाबत कोई अनुमति नहीं दी, जिस पर कांग्रेस जनों ने इसे नगरपालिका की मौन स्वीकृति मानते हुए शनिवार को बैठक करने नगरपालिका के सभा कक्ष जा पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें ताले लटके मिले, जिससे नाराज नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय के अलावा कांग्रेस जनों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर मालवीय ने कहा कि नगर पालिका में सरासर मनमानी और तानाशाही पूर्ण रवैया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी भवनों को भाजपाईकरण करने पर तुली है। यदि सत्ता के दबाव में नगर पालिका अधिकारियों ने भाजपा सभा कक्ष में बैठक करने दी थी तो अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस मौके पर शेखर वशिष्ठ, शहर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, सूर्य राठौर, घासीराम अहिरवार, कविंद्र चौहान सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। परशुराम रथ का हुआ भव्य स्वागत, ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जी के रथ का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही रात्रि विश्राम भी म्याना में हुआ। सभी धर्म प्रेमी लोगों ने सत्संग का भी लाभ लिया, जिसमें भगवान परशुराम के जन्म उत्सव से लेकर आखिर तक के स्मरण बताए गए। बचेगा तो ये हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो आप अपने सराउंडिंग देख लीजिए, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एशिया, तो आप हिंदू आबादी हुआ करती थी, आज भी वहां जाके देखिए आप, वो तो गनीमत है कि वहां का प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण है, केपी शर्मा ओली। तो ऐसे में हम लोगों को केवल मात्र इसलिए अपने आप को बचाए रखें, संगठन इसीलिए आवश्यक है कि कम से कम हम एक साथ दिखेंगे। से मैं क्या कह रहा हूँ, 11% ब्राह्मण हिंदू आबादी का मतलब 10 करोड़ कम से कम ब्राह्मण है इस देश में, लेकिन फिर भी मात्र ब्राह्मण अलग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक अलग संगठन होता है, बंगाली ब्राह्मण हम लोगों को हम संपर्क में नहीं है क्यों, भाषा वगैरह के, साउथ के ब्राह्मण तो कहते हैं नॉर्थ इंडियन, वो सारे संस्कृति संस्कार भूल गए हैं। तो ऐसे में हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भाई शादी ब्याह वगैरह जो भी हम अपने जिन ब्राह्मणों में जहां म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गुना के चाचौड़ा बीनागंज में नवी के नवासे हसन हुसैन की शहादत की यादगार में ताजियों का मातमी जुलूस करबला तक निकला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के शोकवार जुलूस में या हुसैन के नारे बुलंद कर मातम मनाते हुए चल रहे थे। 400 साल से यहां मुस्लिम समुदाय मातमी जुलूस के साथ ताजिये निकालता आ रहा है। यहाँ एक ताजिया जिसे सरकारी ताजिये का नाम दिया गया है, 1,00,000 रुपए की लागत से बनाया जाता है, की भव्यता देखने ग्राम देहात से भी जनता पहुंचती है। यहाँ 7-8 ताजिये नगर के अलावा अन्य मोहल्ले से भी निकाले जाते हैं, जो एक साथ जुलूस के रूप में मातम मनाते हुए चलते हैं। बाद में करबला पहुंचकर ताजियों को जमींदोज कर दिया जाता है।
मंसूर से यहाँ करीब 400 वर्षों के पहले से यहाँ ताजी निकाली है। पहले 27 साल की यहाँ बनते थे, किसी जमाने में 7 साल की यहाँ निकाली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ताजिए हैं वो सरकारी ताजिया के नाम से जो जिले में बनता था वो यहाँ निकाला जाता है, इसका नाम सरकारी ताजिए के नाम से जो तले के पहले में बनता है। दूसरा पूरे के पहले में बनता है जो अली बहादुर अखाने के साथ जुलूस के साथ आता है। तीसरा अली हसन गोल जो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ ताजिया बनता है, जो मुस्लिम के नाम से किसी जमाने में बनता था वो हमारी हसन गोल बना है, जो सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत ताजिया बनता है जिसकी लागत कम से कम 1 लाख रुपये है। यहाँ पे इस प्रकार 7 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख मनाई जाती है, इन तीनों तारीख का क्या रेट रहता है? ये रेट रहता है जो मैं आजूबा जब मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी पर दिया गया तो उस याद में 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है मातम मनाया जाता है। और देवगढ़ के सामान ऐसे ताजियादारी का जो सिलसिला है वो आजूबा देर रात सौम्या मॉल के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने गाय को टक्कर मार दी जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक उक्त गाड़ी पुलिस अधिकारी की बताई जा रही है। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए उसमें बैठे सभी लोग फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी में बैठे सभी लोग नशे की हालत में थे। यह घटना रात 11:45 की बताई जा रही है, जिसके बाद एक जागरूक नागरिक ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आज दिन भर यह किसी ने नहीं बताया कि उक्त गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया या नहीं। दोस्तों, ये वो गाड़ी है जो इस गाय से टकराई है और उसकी आप ये हालत देख के समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में होगी। ड्राइवर गाड़ी को यहाँ पे लॉक करके भाग चुका है और मैं आपको इसका चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि ये किसी रसूखदार का गाड़ी है। ये उसका गाड़ी नंबर है MB08CA5644। आज के लिए बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।